हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बर्ड्स। आज मैं आपको अपने फिंचेस की और एक जो मेरे पास डफ का पेयर है उसकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा और वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे पास फिंचेस के कुछ पेयर पड़े हुए हैं, ब्लैक चेक, वाइट चेक। तो मैं काफ़ी टाइम से इनको लाया हुआ था, इनकी बार बार जो है जगह चेंज हो जा रही थी, अंडे देती थी लेकिन एक फिर वो अंडे ख़राब कर देती थी। फिंचे दिए कि जगह वगैरह जो है एक ही जगह सेट रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसकी ऐसी जगह आप बनाएं जहाँ पे जो है धूप बैरक आती हो, क्योंकि ये जो है सनलाइट पे काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। तो मेरे पास तकरीबन चार पेयर हैं और एक मेरे कहते हैं फीमेल जो है एक्स्ट्रा है। तो इसमें से जो है एक पेयर ने शायद बच्चे वगैरह निकाले हैं, कुछ अंडे भी दिए हुए, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इन्होंने जो है क्या ब्रीडिंग वगैरह भी प्रोग्रेस मेरे पास जो है शेयर करी है मतलब। तो ये सबसे पहले आप ये मटकी देख सकते हैं। तो गाइस, ये पहली मटकी है, इसने जो है माशाल्लाह से एक बच्चा निकाला हुआ है। देख सकते हैं ब्लैक चोंच जो हो रही है, ये जो है फिंच का जो है ये बच्चा है, और इसने जो है माशाल्लाह से वापस से अंडे दे दिए हैं, और इसने एक बच्चा जो है इसका बड़ा हो चुका है और ये बाहर भी आ गया। ये मेरे ख्याल से आज पहली दफ़ा ही बाहर आया है। तो ये देख सकते हैं, ये फिंच का जो है एक बच्चा माशाल्लाह से कूद चुका है मटकी से बाहर, और ये मेरे ख्याल से अभी बाहर आया तो डर के बाहर निकल गया। बाकी तीन अंडे जो है पेयर ने वापस से दे दिए। मैं इनको बिल्कुल भी अब जो है डिस्टर्ब नहीं करता, और ये जो है ऐसी फिंचेस हैं मेरे पास जो मतलब कह लें इनको ज़रा सा छेड़ो तो ये अपने अंडे वगैरह फेंक देती हैं, या तो अंडों पे बैठना छोड़ देती हैं। और इनको तो मैं दूसरी जो ये मटकी है माशाल्लाह से इसमें जो है चार अंडे हैं, और ये वाइट वाइट पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने रखी है मटकी में, मेरे ख्याल से नेस्टिंग वगैरह इन्होंने बनाई होगी। तो इसने जो है चार अंडे दे दिए दूसरे पेयर ने। और इधर आएँ माशाल्लाह से इस मटकी में भी जो है चार अंडे आ गए फिंच के, तीन पेयर जो है सेट हो गए। मुझे जो है एक और मटकी लगाना पड़ेगी, मेरे पास छोटी मटकियाँ जो है नहीं थी, तो इस वजह से मैंने जो है इनको दो मटकियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने जो है वही लगा दी। अब इनकी एक दो मटकी का जो है और इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाकी जो मैं इनको मिक्स दाना जो दे रहा हूँ ये अभी देख सकते हैं, ये लाल कन्नी है, बारीक कन्नी है और कनेरी सीड, ये तीन चीज़ें मैं दे रहा हूँ, काफ़ी शौक से खाते हैं। बाकी इनका जो सॉफ्ट फूड आता है वो आप बॉयल एग जो है वो दे सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त से जो है ब्रीड करती है फिंच, बॉयल एग आप दे सकते हैं सुबह सुबह के टाइम पर। और ये जो है ज़्यादा मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है वो ज़्यादा अच्छी जो ब्रीड करते हैं वो जो है कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी बना ले चार चार पेयर, पाँच पाँच पेयर की, तो जो है इसमें जो है ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। आप वन बाय वन रखेंगे उसमें जो है काफ़ी आपको जो है संभालना पड़ेगा, सबको दाना पानी अलग अलग देना पड़ेगा। इसमें ये कि चार पांच पेयर रख दिए मैंने एक ही दफ़ा, जब जो है दाना पानी चेंज होता है और जो है आपके सामने ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। अभी मैंने इनको छेड़ना बिल्कुल छोड़ दिया, मैं इनको देखता भी नहीं हूँ, बस बाजरा पानी डालता हूँ। आज जो है काफ़ी टाइम बाद मैंने इनकी वीडियो बनाई है तो अंडे वगैरह देखने को मिले, मुझे काफ़ी खुशी हुई और आप लोग के साथ भी मैंने शेयर करी। और मैं आपको जो है डफ की प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो एक ही पेयर है मेरे पास। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं ये डफ का बच्चा है, जो मैंने पहले डफ की प्रोग्रेस दिखाई थी उसमें एक बच्चा जो निकला था ये वही बच्चा है माशाल्लाह से, काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इस बच्चे को जो है मैंने इसके माँ बाप से अलग भी कर दिया, और क्योंकि ये खुद जो है खाना खाने लग गया था। मैं आपको इसको जो है पकड़ के दिखाता हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव बच्चा है ये, और इसका साइज़ भी आपके सामने। इसको जो धूप में जो भी चीज़ हो उसको धूप में आप रखें, डफ को डफ जो है धूप के अंदर सनलाइट के अंदर काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ करता है। तो अभी देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा मचल रही, देख सकते हैं इसका साइज़ वगैरह आप चेक करें, फोन डब इसको कहते हैं। ये एक बच्चा है, बाकी इसने जो है ये पेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसने जो एक और बच्चा निकाला हुआ है, जो कि इसने भी एक ही बच्चा निकाला है, एक पहले निकाला तो जब ये आपको दिखाया एक वापस है जो इसने ये बच्चा निकाला है, ये आप देख सकते हैं। ये भी उल्टा हुआ है, इसकी जो है मैंने नेस्टिंग जो है चेंज करी है क्योंकि काफ़ी जो है गंदी हो गई थी नेस्टिंग, तो नई घास जो है मैंने इनको घाली है। और ये कि इनका बच्चा कूदता है और उसके तकरीबन दो तीन दिन के बाद ये जो डफ का पेयर है ये वापस से जो है अंडे रख देता है। तो डफ की मुझे ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी, दो ही बच्चे निकालते हैं लेकिन ये कि जल्दी जल्दी बच्चे निकालते हैं, इसके जल्दी जल्दी जो है बच्चे बड़े होते हैं और जो है ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये देख सकते हैं डफ का पेयर भी है, आपको प्रोग्रेस दिखा दी मैंने फिंचेस की और डफ की। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।